दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सैमसंग मोबाइल को डायरेक्ट अनलॉक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि EFT डोंगल से किस तरह से आप सैमसंग मोबाइल को डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूं कि सैमसंग मोबाइल के लिए Z3X बॉक्स डायरेक्ट अनलॉक करता है मॉडल को, उस मॉडल को जिस मॉडल को आपको दिखाने वाला हूं, या EFT डोंगल जो है डायरेक्ट अनलॉक करता है। चलिए मैंने यहां पे Z3X बॉक्स का टूल जो है ओपन कर रखा है। आप यहां पे देख सकते हैं मैंने ये मॉडल सेलेक्ट किया G600FY और इस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद जब मैंने यहाँ पे अनलॉक पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है रीसेट FRP का। तो रीसेट FRP यानी ADB मोड में आप इस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश करके उसका ADB पोर्ट इनेबल करके तब जाकर के आप यहाँ पे रीसेट FRP ADB पे आप क्लिक करके जो है इस मोबाइल को ADB मोड में अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन इसी मॉडल को मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि EFT डोंगल से आप किस तरह से डायरेक्ट इस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाएगा, इसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए हम इस टूल को पहले अभी यहां पे इसे क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम आपको EFT डोंगल ओपन करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम मोबाइल को जो है सैमसंग मोबाइल को डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं बिना कॉम्बिनेशन फाइल से फ्लैश किए हुए, बिना किसी फ्लैश फाइल से फ्लैश किए हुए डायरेक्ट वन क्लिक में हम उस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे इस वीडियो में EFT डोंगल ओपन करके। चलिए हम EFT डोंगल को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको इस वीडियो में हम साथ में मोबाइल भी आपको दिखाएंगे जिस मोबाइल में लॉक लगा हुआ है, FRP लॉक लगा हुआ है, उस मोबाइल को भी साथ साथ दिखाएंगे। उसके बाद EFT डोंगल में कैसे अनलॉक करेंगे वो भी आपको हम साथ साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम EFT डोंगल में लॉग इन करते हैं, उसके बाद इस टूल को हम ओपन करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इस मोबाइल को डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मैंने जो है यहाँ पे EFT डोंगल का टूल को जो है अपने कंप्यूटर में ओपन कर लिया है, और साथ में आपको हम यहाँ पे मोबाइल भी दिखा रहे हैं सैमसंग का जिस मोबाइल में FRP लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मोबाइल के अंदर में FRP लॉक लगा हुआ है, इसे हम नेक्स्ट कर रहे हैं और ये हमें आगे जाने के लिए नहीं दे रहा है। तो इस मोबाइल को अनलॉक करने के लिए पहले हम इस मोबाइल को ऑफ करेंगे, और जैसे ये मोबाइल ऑफ हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद इसका जो है इसका वॉल्यूम माइनस और पावर की और होम की तीनों को हम एक साथ प्रेस करेंगे, उसके बाद ये मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये मोबाइल डाउनलोडिंग मोड पर जा चुका है। अब इसमें हम जो है डाटा केबल जो है इसमें लगा देंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं EFT डोंगल से किस तरह से हम इस मोबाइल को डायरेक्ट अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग मोबाइल को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल सेलेक्ट करना होगा सैमसंग का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एंड्रॉइड मॉडल पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में दो ऑप्शन हमें मिल रहा है, एक EFT का दूसरा FRP का, ठीक है। तो EFT मेथड में भी आप जो अनलॉक कर सकते हैं और FRP मेथड में भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो इस मोबाइल को हम यहाँ पे जो FRP मेथड में इस मॉडल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मोबाइल है सैमसंग G600FY, तो G600FY मॉडल को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। चलिए हम यहाँ पे ये मॉडल नंबर को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं G600FY। तो दोस्तों आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं ये है G600FY, इस मॉडल को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक रीसेट FRP है, दूसरा रीसेट FRP है। ये दोनों ऑप्शन में एक है डाटा लॉस, एक है विदाउट डाटा लॉस, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है यूज करने वाले हैं डाटा लॉस, ठीक है। तो यानी हमें जो है डाटा लॉस में हमें FRP रीसेट करना है, और हमें ये पोर्ट स्कैन करने के लिए कह रहा है। चलिए हमने यहाँ पे पोर्ट स्कैन कर लिया, अब यहाँ पे सैमसंग का USB पोर्ट शो कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे रीसेट FRP पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यस कर देंगे, और ये मोबाइल ऑटोमेटिकली बूट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल बूट कर चुका है और इसका FRP जो यहाँ से सक्सेसफुली रीसेट हो रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इसका सक्सेसफुली FRP रीसेट हो चुका है और मोबाइल रिस्टार्ट भी हो चुका है। उसके बाद ये मोबाइल जो है ऑन हो जाएगा कुछ ही देर में। दोस्तों मैं बता दूं ये मोबाइल ऑन होने में तकरीबन 8 से लेकर 10 मिनट तक इसका टाइम लगता है। तो आप 10 मिनट तक टाइम जो है वेट कर लेंगे। मैंने आपको इस वीडियो में जो है इसकी स्पीड बढ़ा करके आपको दिखाया है, और ये मोबाइल अनलॉक हो चुका है, डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा ये मोबाइल, और इसमें आपको कोई सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस टूल के जरिए से आप किसी भी सैमसंग मोबाइल का फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन फाइल किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें।